फर्नांडिस सर एब्सेंट क्यों है? तूने नोटिस किया? आज सानिया मैम भी एब्सेंट है। प्लीज अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अपने पास रख, उन्हें सर्दी खांसी भी हो सकती है। फर्नांडिस सर इज द फिटेस्ट पर्सन आई नो, रोज सुबह रनिंग और एक्सरसाइज दोनों करते हैं, वो कैसे बीमार हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या तुम लोग पीएम 2.5 के बारे में जानते हो? छोड़ो, तुम लोगों के नहीं बोलने से पहले मैं ही बता देती हूँ। पीएम 2.5 मिक्सचर है सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स का, जो हमारी हवा में होता है। वी कांट सी इट विद आवर नेकेड आईज। नेकेड? मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने आसपास हो रहे एयर पोल्यूशन को नोटिस ही नहीं करते, अनलेस वो राघव के पापा की पुरानी वैगन से निकलता हुआ धुआं हो या इंडस्ट्रीज का स्मोक स्टैक हो। पर इसी भी प्रदूषण, इसका फर्नांडिस सर के एब्सेंस से क्या लेना देना है? तुमने कहा था फर्नांडिस सर रोज सुबह जॉगिंग जाते हैं। यस, अक्सर सुबह सुबह एयर क्वालिटी सबसे बुरी होती है और पीएम 2.5 के लेवल्स हाईएस्ट होते हैं। देखा, इसलिए मैं 12 बजे से पहले कभी उठती नहीं हूँ। 4 बजे सोने वाले वैसे भी 12 बजे से पहले नहीं उठते। एनीवेज, पीएम 2.5 के शॉर्ट टर्म एक्सपोजर से एलर्जीज, एस्थमा, वाटरी आईज जैसी डिफिकल्टीज हो सकती हैं। और जिन लोगों को हार्ट डिजीज है उन्हें अरिथमियाज और हार्ट अटैक्स की भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मुझे तो तेरी बातें सुन के ही हार्ट अटैक आ रहा है। अगर शॉर्ट टर्म एक्सपोजर से ये होता है तो लॉन्ग टर्म से क्या होता है? अपने दिल की धड़कन को थाम लो, क्योंकि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से क्रॉनिक हार्ट डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, लंग इन्फेक्शंस, लंग कैंसर, डायबिटीज और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस, क्रॉनिक प्लम व्हाट, COPD लंग डिजीजेस का एक ग्रुप है जो एयर फ्लो ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण सांस लेने में डिफिकल्टी होती है। बट आई एम श्योर कोई फिक्र करने की बात नहीं है, शायद उनका पेट खराब हो